तो दोस्त मैं हूँ उमेश और तुम्हारा स्वागत है MS क्रिएशन पे। तो तुम सबको तो पता ही होगा कि इस वीक हम काफ़ी सारे एनिमे का फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो कर रहे हैं। तो मिस वी डेमन किंग एकेडमी भी उसी में से एक है और ये एनिमे जुलाई 2020 में अभी ऑन गोइंग है। इसके अभी टोटल 4 एपिसोड एयर हो चुके हैं और ये 30 एपिसोड्स का होने वाला है। इसके जिनर्स हैं एक्शन, मैजिक, स्कूल, फैंटेसी। सच में काफ़ी औसम है और इसका हर एक एपिसोड काफ़ी कूल है। इसके हर एक एपिसोड के एंड का ट्विस्ट हमारी नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाइप को डबल कर देता है। पहले मुझे लगा था कि इसमें डेमन किंग है तो कुछ नया देखने को नहीं मिलने वाला है, कुछ नई स्टोरी ज़्यादा होने नहीं वाली है, पर एनिमे की स्टोरी और प्लॉट काफ़ी यूनिक और अलग है। इस एनिमे का ट्रेलर देखने पे और प्लॉट पढ़ने पे इतना सिंपल लग रहा था कि मेरा इस एनिमे को देखने का कोई प्लान भी नहीं था, पर इसे मिले पॉजिटिव रिव्यूज़ की वजह से मुझे इस एनिमे को देखना पड़ा। चलो अब मैं तुम्हें इस ऑसम से एनिमे का प्लॉट बता देता हूँ। इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसे है कि हमारा MC डेमन किंग हीरो से डील करता है कि वो सभी के बीच होने वाली लड़ाई को रोकेगा और उनके बीच शांति लेकर आएगा, और इसके लिए वो एक पावरफुल स्पेल मैजिक का यूज़ करता है जिसकी वजह से वो 2000 साल के लिए गायब हो जाता है और 2000 साल बाद एक नॉर्मल फैमिली में रिकार्नेट होकर जन्म लेता है। 2000 साल बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है। हमारा हीरो सभी के लिए 2000 साल पहले ही मर चुका है और वो इस समय एक नया डेमन किंग ढूंढ रहे हैं, और जिसका फैसला होगा द डेमन किंग एकेडमी का जो बेस्ट स्टूडेंट होगा और सबसे ताकतवर स्टूडेंट होगा उसे ही अगला डेमन किंग बनाया जाएगा। इसलिए हमारा हीरो भी द डेमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेता है और उसे इस एडमिशन लेने के लिए 3 एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा और ये तीनों ही टेस्ट काफ़ी मस्त होने वाले हैं। आपको ये तो पता है कि हमारा हीरो तीनों टेस्ट को निकाल लेगा क्योंकि वो पुराना डेमन किंग है, पर वो कैसे निकालेगा? उसकी जो बेडेस्ट फाइट्स होने वाली है ना टेस्ट में वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं और उसी को देखने में आपको मज़ा आएगा। अब ये जानने के लिए कि हमारा हीरो 2000 साल बाद फिर से डेमन किंग कैसे बनता है, इसके लिए आपको देखना होगा ये एनिमे। इसके हर एक एपिसोड्स में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। किसी एपिसोड्स में आपको ओवरपावर्ड फाइट्स मिलेंगी, किसी एपिसोड्स में कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स, तो किसी एपिसोड्स में आपको कुछ अच्छे फैमिली मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तुम सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस एनिमे को एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसके 3 एपिसोड तक इस एनिमे को देखो और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आज के लिए इस रिव्यू को बस यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करो, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख देना, इससे हमारी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर अच्छी लगी है तो आई लव योर वीडियो, और अच्छी नहीं लगी हो आई हेट योर वीडियो, कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हारा ओपिनियन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।